एक जंगल में चिंटू नाम का चिड़िया रहा करती थी। उसी जंगल में एक मिंटू नाम का चिड़िया रहा करती थी, और वह दोनों का हाथ पैर था और वह खूब मजे लेते। उसी जंगल में एक बोलने वाला पेड़ भी था, और इन सभी को हाथ पैर देख जंगल के सभी जानवर उसे देखकर आश्चर्यचकित होते और वह हंसते। हाथी यह देख कर आश्चर्यचकित था क्योंकि उसके हाथ पैर नहीं थे, और चिंटू चिड़िया की पैर से उड़ता हुआ हाथ फैलाता हुआ वह और बहुत घूमता, खूब मजे लेता और इधर उधर देखता और जिधर चाहता उधर घूमता, खूब मजे लेता। वहीं पर मिंटू चिड़िया भी उड़ती और खूब मजे लेती, और दोनों एक एप्पल जिसके हाथ पैर और वह बहुत खुश था उसके पास पहुंचती है, और चिड़िया बोलती है, आ मुझे भूख लगा है, अब मैं एप्पल खाऊंगा। और एप्पल सुन एप्पल बोलता, अरे यार चिड़िया ने मुझे खा जाएगा, बचाओ बचाओ। और वह बचाओ बचाओ करता है, वहीं मिंटू चिड़िया आ जाती है, और वह बहुत ईमानदार होती है और किसी की भी वह नुकसान नहीं पहुंचाती, इसीलिए उस चिड़िया को मार भगा देती है और बोलती है, तुम जाओ कहीं अलग पेड़ का फल खाओ। यह बोलने वाला आती है। रात के बाद दिन हो जाता है और चिड़िया चिचहाने लगती है, और जंगल पूरे हरा भरा देखने में बहुत सुनहरा सा लगता है, और वहीं एक पेड़ जिसके हाथ पैर थे वह एप्पल को बहुत मारता है क्योंकि वह बहुत बदमाश पेड़ था और किसी से भी वह भिड़ जाता और सभी को मारता और अपने मजे में रहता, और वह इतना ज़्यादा क्रूर था कि किसी को नहीं छोड़ता, और वह बोलता, मैं तुझे सबको मार डालूँगा। और वह पेड़ बहुत सनकी पेड़ था और किसी जानवर को नहीं छोड़ता, और सभी जानवर पर वह हमला करता और अपने राजा बनकर जीता। उस पेड़ चाहता था कि इस जंगल का राजा मैं ही हूँ और कोई नहीं है, और ऐसा सोचता। पेड़ बोलता, इस जंगल का मैं रहता हूँ, अपने मजे में रहता हूँ, और वैसा गाना गाते हुए है। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और एप्पल वहाँ से जाता है, और एप्पल यह देख डर जाता है क्योंकि उसके पीछे एक भयानक पेड़ खड़ा होता है जो सबको मारता है, और वह देख आश्चर्यचकित होता है और वहाँ से डरा सहमा रहता है और वहाँ से भाग जाता है। और पेड़ कहता है, मैंने इस एप्पल को भगा दिया। और क्रूर पेड़ बहुत खुश होता है, और वे सभी जानवर विचार कर उस क्रूर पेड़ को मारते हैं, और क्रूर पेड़ इस सारे आदमी को देख डर जाता है और भाग जाता है, और वह एक जादुई पेड़ था, और भागते भागते वह चला जाता है। और पेड़ बोलता है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।